देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं खोआ। उसके लिए हमने 2.5 लीटर दूध ले लिया है। इसका खोआ बनाकर फिर हम कतली बनाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है दूध हमारा। अभी और इसको टाइट करेंगे हम। अभी ये ऊपर को आएगा तो हम अपने हाथ पर कुछ कपड़ा या ग्लास बांध कर चलाएँ, उसे छींटे आएंगे गरम गरम। देखिए ये टाइट हो चुका है थोड़ा सा, और इसे अभी हम टाइट करेंगे। आप भी अपने घर पर अगर दूध है तो होममेड ही चीज़ें बनाने की कोशिश करें बच्चों के लिए। बाहर का जो होता है मावा वो मिलावट का आता है। देखिए मेरा घर का ही मतलब दूध वाला जो लाता है अच्छा दूध लाता है, कितना अच्छा वो बनना है। थोड़ा सा घी छोड़ने लगे समझे बन गया। देखिए चिकना सा होने लगा है अपने आप ही लिपट रहा है, तो हमारा खोआ बनकर तैयार हो गया। ये हमारा खोआ बन के रेडी हो चुका है जो कि मैंने होममेड बनाया है। आप भी अपने बच्चों के लिए होममेड खोआ बनाइए। ये देखिए मैंने 1 किलो चीनी ले ली है। देखिए 2 ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे, बड़ा वाला जो ग्लास होता है उसे भरकर। ये देखिए मैंने थालियों में घी लगा लिया है 2 थालियों में, और ये मैं गोला कद्दूकस कर रही हूँ मैं 1 कप के बराबर। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। और ये देखिए 1 किलो चीनी ले ली थी हमने, और उसमें हमने पानी कर लिया है और इसे हम चलाते रहेंगे ऐसे। थोड़ा मुझे कम लगा तो मैंने पानी थोड़ा सा और डाल दिया था क्योंकि चीनी घुल नहीं रही थी अच्छे से। तो छोटा वाला गिलास आप 1 करके पानी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने 1 कप के बराबर जो गोला कद्दूकस कर लिया है इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 12 काजू ले लिए मैंने, इनको भी इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। और आप पिस्ता बादाम जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा मीडियम गैस करके इसको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर करेंगे तो हम कड़वापन आ जाएगा इसमें। ये देखिए मैंने खरबूजे के जो बीज थे वो भी इसमें भून लिए, थोड़ी देर रोस्ट कर लिए हैं। और काजू और जो है गोले गोभी। खोआ मैंने घर पर ही बनाया है, अच्छे से भून लिया है इसे। देखो कलर भी इसका चेंज है। देखिए चाशनी, एक तार की चाशनी बनाएंगे हम। और ये मैंने पानी रख लिया, इसमें हम डाल के देख लेंगे जम रही है कि नहीं हमारी, उससे पता चल जाता है। देखिए ये जो 1/2 किलो के डिब्बे आते हैं घी वाले, इसको मैंने भर के 2 डिब्बे चीनी डाली है, उससे अंदाजा कर लिया। ये देखिए मुझे थोड़ा पानी कम और लगा था तो मैंने हल्का सा और डाल दिया क्योंकि मेरी चीनी नहीं घुल रही थी।
एक गिलास के करीब मेरा पानी पड़ गया है इसमें, और इसे हम जब तक एक तार की चाशनी नहीं बने बोलते रहेंगे, इस तरह चलाते रहेंगे। देखिए ये जो घी वाला डब्बा था, उस जो होता है आधा किलो का, उससे भर के मैंने दो डिब्बे चीनी ली थी, और उसमें मेरा दो गिलास बड़े वाले जो होते हैं वो पानी पड़ा है। और देखिए चीनी सारी घुल चुकी है इसमें। अब जब तक चीनी नहीं घुलेगी तो वो जो हम बनाएंगे कतली उसमें कर आएगी। अब हमने हाथों से इसे देखा है तो देखिए तार सा आने लगा है इसमें। अब इसमें हम खोआ डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा हमने पानी में भी डाल के देखी थी, तो ये हमारी जम चुकी है देखो ये। अब इसे हम खोआ मिला देंगे इसमें, और फिर थोड़ा सा मेवा भी डाल देते हैं और ऊपर से डाल देंगे। अभी तो मावा मिलाते हैं पहले इसमें। देखिए हमने खोआ डाल दिया, अब इसे हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, गैस को मीडियम कर लेंगे। चाहो तो आप स्लोली कर सकते हैं, धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। देखिए गैस को हमने मीडियम कर दिया, जब ऊपर आ रहा है ये निकल निकल के, और इस तरह से गोल गोल घुमा के इसे मिक्स कर लेंगे। गांठें नहीं रहनी चाहिए तो खोआ की, सारा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अभी है थोड़ी सी इसे, और मिक्स करेंगे अभी। ये देखिए अभी थोड़ी सी रह गई है, ये भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे ये कतली का ये बन गया है, मावा डाल दिया था हमने। ये देखिए, और इसे हमने इस तरीके से पानी में भी डाल के देखा है। देखिए तो ये इस तरीके से बन गया है। घी लगा कर थालियाँ रख ली चार, और इसे हम पलटेंगे थोड़ा ठंडा होने तक, क्योंकि अभी ये गाढ़ा हो रहा है। गैस को हमने बंद कर दिया है, गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए देखिए इस तरह का हो गया है। इसमें हम ये कुछ मेवा इसी में मिला देंगे, कुछ हम ऊपर से डाल देंगे। और फिर थालियों में हम इसको डाल देंगे। देखिए हमने थाली में कर लिए, और इसमें ऊपर से मेवा और डाल दिए, और थोड़ा इस तरह से दबा दिया है जो बीज और मेवा हैं वो इसमें दब जाएं। और इसे हम थोड़ी देर के लिए पंखे में रख देंगे, फिर हम इसे कट लगा देंगे इसमें। तो देखिए हमारी कतली रेडी है। ये देखिए चार थाली बन गई हैं, और आप भी अपने घर पर ट्राई करके देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए प्लीज़। और अभी इनमें हम कट लगा लेंगे, क्योंकि फिर जब ये टाइट हो गई तो फिर परेशानी हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छी कतली बनी है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा ठंडी हो जाएंगी तो और ही अच्छी लगेंगी। अभी टूट रही हैं ये, गर्म है क्योंकि। ये देखिए देखिए ये हमारी बन गई हैं काजू कतली की शेप में कतली। आप खाइए और बच्चों के लिए बनाइए।
राधे राधे सभी।